is Kashika from Fashion Week Style, and today's video is about aloe vera gels. Hi guys, my name is Kashika Chauhan. Welcome to my YouTube channel. I'm back with another video. So if you guys remember my first ever YouTube video, that was on aloe vera gels. Us time maine jo aloe vera gels use kiye the, maine wo review kare the. And right now also I have bunch of new aloe vera gels jo maine use kare hain. Some are good, some are literally pathetic. They are like worst category aloe vera gels. And aaj main sabka ek honest review dene wali hu, because I am like using them since a very long time. And ek product khatam hone ke baad hi aap bata sakte ho ki actual product kaisa raha, aapki skin pe work kiya ya fir nahi kiya. And aloe vera gel is something ki aajkal markets mein itne zyada aa chuke hain, so it's very important ki aap ek wise decision le before buying it. And if you have like oily skin, acne prone skin like me, then I guess this video will be helpful for you, because I have literally tested these aloe vera gels based on acne prone skin. So without any further ado, let's get started. So starting with the worst aloe vera gel that is available in the market according to me, I don't know आपने सबसे worst कौन सा use किया होगा, अगर कोई किया है तो please comment down below, बाकी को भी पता होना चाहिए कि अच्छा नहीं है. For me it has to be the VLCC Ayurveda with the goodness of vitamin E soothing aloe vera gel. And सबसे पहले तो इसकी फ्रेग्रेंस, मतलब इसकी जो खुशबू बोलो या फिर आई वुड से बदबू, बिकॉज इट्स सो ओवरपावरिंग. लाइक इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं. इट हैज़ पैराबेन, सोडियम मिथाइल पैराबेन, सोडियम प्रोपाइल पैराबेन. ऑब्वियसली ये 85 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, मैं केमिकल फ्री प्रोडक्ट नहीं एक्सपेक्ट करती इस प्राइस रेंज में. मैं इसको फेस पर नहीं यूज़ करना चाहती थी, मेरे को एक सस्ता एलोवेरा जेल चाहिए था फॉर माई हेयर, बिकॉज समर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है, इची होती है. सो वॉट आई डू, मैं टी ट्री ऑयल में मिक्स करके अपने स्कैल्प पे लगाती हूँ. सो आई वॉज लाइक एक एवरेज क्वालिटी का एलोवेरा जेल खरीद लेती हूँ, बट दिस इज सो पथेटिक. ये मैंने जब फर्स्ट टाइम लगाया था मेरे को लिटरली हेडेक हो गया था, बिकॉज इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा अजीब और ओवर पावरिंग है ना, वो नेक्स्ट डे तक लाइक कभी कभी तो हेड वॉश करने के बाद भी आपके सर से ऐसी फ्रेग्रेंस आती थी, विच इज लाइक रियली पथेटिक. आई डोंट नो हाउ मैंने इसको फिनिश किया है, अभी भी इसके अंदर रेसिड्यू बाकी है. यूजली मैं बॉटल्स को काट के अच्छे से रेसिड्यू को यूज करती हूँ, देन मैं थ्रो करती हूँ, बट आई डोंट फील लाइक यूजिंग इट एनी मोर. इट्स कंप्लीट पथेटिक एलोवेरा जेल. फॉर ऑल द ब्रांड्स आई रिक्वेस्ट कि अगर आप 85 रुपीज में कुछ बना रहे हो, ओके आप प्राइस रेंज को थोड़ा इंक्रीज कर दो, बट एटलीस्ट गिव अस क्वालिटी. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि 50-60 रुपए में हमें बिल्कुल सस्ती चीज़ आप प्रोवाइड करो. मेरे पास 100 रुपीज़ के भी एलोवेरा जेल है जो मैं अभी दिखाने वाली हूँ, विच आर बेटर देन दिस, एंड ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट. द नेक्स्ट वर्स्ट एलोवेरा जेल इज लाइक अ ह्यूज ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ वेरी रिनोन ब्रांड विच इज लैक्मे. सो लैक्मे ने एक 9 to 5 नेचुरल एक रेंज लॉन्च करी थी, नेचुरल एज दे से ऑन द पैकेजिंग, विच इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एलोवेरा. सो दे हैड सम प्राइमर, फाउंडेशन, देन दे ऑल्सो हैव लिपर्स विच आर बेस्ड ऑन द नेचुरल रेंज. एंड इफ यू आर फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम देन यू नो मेरा जो स्मिटन के पॉइंट्स थे मैंने उसको रिडीम किया था, और मैंने ये वाला एलोवेरा जेल मंगवाया, बिकॉज मैंने इसके रिव्यू नायका में पढ़े और नायका में बहुत अच्छे रिव्यूज थे इसके. आई वॉज लाइक ओके लेट्स गो फॉर इट, इट कम्स फ्रॉम अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड, अच्छा ही होगा. दिस वन कॉस्ट फॉर ₹200, ऑल दो ये डिस्काउंट पे इजिली अवेलेबल होता है, बट दिस वन इज द मेजर रीजन वाई आई एम कॉलिंग इट वर्स्ट इज इट इज स्टिंगिंग अलॉट. लाइक मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया इन द मॉर्निंग, ये हल्का हल्का स्टिंग कर रहा था मेरे फेस पे, बहुत इची सेंसेशन फील हो रही थी, बहुत चीजी हल्की हल्की जैसे बर्निंग सेंसेशन फील होती है, मुझे वैसा फील हो रहा था. एंड केस ऑफ एलोवेरा जेल्स ऐसा नहीं होना चाहिए, एलोवेरा जेल्स आर मेंट टू बी सूदिंग एंड नरिशिंग फॉर योर स्किन. फर्स्ट टाइम यूज किया ओके, सेकेंड टाइम मैंने इसको अगेन एक बार रात को यूज किया, मुझे अगेन एक बर्निंग सेंसेशन फील हुई. आई ट्राइड इट थ्राइस, मतलब मैंने 3 बार रिस्क लिया इस एलोवेरा जेल को अप्लाई करने का, तीनों बार इट वॉज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट. बहुत हल्की हल्की एक स्टिंगिंग सेंसेशन मेरे फेस पे फील हो रही थी. इट सेज 100% नेचुरल एलोवेरा जेल ऑन द पैकेजिंग, 100% प्योर एलोवेरा. लाइक हिम्मत है यार 100% प्योर एलोवेरा लिखने की, इवन डिटॉल क्लेम्स कि हम 99% जर्म्स को मारते हैं, दे हैव रिटन लाइक 100% नेचुरल प्योर एलोवेरा. एंड इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए, भरमार मात्रा में इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. इट ऑल्सो हैज नियासिनमाइड, सो आई डोंट नो नियासिनमाइड मेरे को वैसे रिएक्ट नहीं करता. आई यूज सेबो जेल विच इज बेस्ड ऑन नियासिनमाइड, इट डज नॉट रिएक्ट ऑन माई स्किन, सो उस वजह से तो नहीं होगा, बट इट ऑल्सो हैज अदर लॉट ऑफ केमिकल्स. आई डोंट थिंक आई यूज एनी थिंग फ्रॉम दिस रेंज अगेन, ये ऐसी का ऐसी ही पड़ा है. आई विल शो यू द क्वान्टिटी. Can you see? It's as it is. Although it's kind of color है इसके अंदर, हल्का सा tint है, बिल्कुल transparent नहीं है, हल्का हल्का color इसके अंदर है. In terms of fragrance, it is very like makeup, like proper जैसे Lakme की makeup वाली fragrance होती है ना, वो same fragrance इस aloe vera gel में है. As so many aloe vera gel, उन सब के अंदर ऐसी makeup वाली fragrance नहीं आती जितनी fragrance इसमें से आती है. So I don't know. I think this one is a huge disappointment, and coming from Lakme, it's like
So shifting from worst to average and good ones, and then the best one at the last. So the good one has to be the Kudos Aloe Vera Gel. This is this claims to be face and body gel. ये 200 grams का है, ये 100 grams I guess 150 and all 125 something का पड़ता है. मैं recently जब अपने local store में गई थी, जो herbal store होता है Ayurvedic shops, मेरे को अपना green leaf का aloe vera gel खरीदना था, वो available नहीं था, so they were like do try this one out, and मैंने इसके ingredients पढ़े, मुझे अच्छे लगे, इसके अंदर color भी नहीं था, it says chemical free, so I was like okay let's go for it. क्वांटिटी वाइज काफी अच्छा है, जितना एमआरपी है एमआरपी के हिसाब से क्वांटिटी बहुत अच्छी है इसकी. प्लस दिस इज नॉट जस्ट एन एलोवेरा जेल, इट हैज होल लॉट ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स. इट हैज हनी, इट हैज सिट्रस मेडिका समथिंग सिट्रस बेस्ड, देन इट हैज नींबू, इट हैज जास्मिन, इट हैज गुलाब, एंड इट हैज रिटन कि इसके अंदर थोड़े से प्रेजर्वेटिव्स एंड हल्का सा इसके अंदर कलर है. इन टर्म्स ऑफ परफ्यूम इट हैज लेमन जेल बेस, बट आई डोंट नो इन्होंने कलर लिखा हुआ है, बट इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, इसके अंदर कलर एज सच कुछ नहीं है. सो आई ट्राइड इट ऑन माई फेस, ओके था, आई वोंट से बहुत अच्छा था, बहुत बुरा भी नहीं था, स्टिंग नहीं किया, इचिंग नहीं हुई, रिएक्ट नहीं किया, तो उस सेंस में काफी अच्छा लगा मुझे. ऑब्वियसली इट हैज अदर लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एज वेल, तो अगर आप एक मल्टीपर्पज जेल ढूंढ रहे हो, सो दिस वन माइट वर्क फॉर यू. ऑल्सो इट सेज फॉर फेस एंड बॉडी, सो यू कैन अप्लाई इट ऑन योर बॉडी एज वेल. इट सेज हाइपो एलर्जेनिक, इट हैज नो हार्मफुल केमिकल्स, एंड या दैट इज इट. इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ये कोई इंडियन ही ब्रांड है, मैंने इसके एड्स न्यूज चैनल पे देखे हुए हैं, सो आई नो द ब्रांड Kudos. आई थिंक इट्स अ गुड ओकेश काइंड ऑफ प्रोडक्ट. ऑल द प्रोडक्ट्स विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैं जिन जिन की बात करने वाली हूँ उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, सो मेक श्योर यू चेक इट. नेक्स्ट एलोवेरा जेल जो मैंने पहले इंट्रोड्यूस करा दिया था हैज टू बी द ग्रीन लीफ वन. जो मेरी फर्स्ट वीडियो भी थी एलोवेरा जेल की, मैंने उसके अंदर भी ग्रीन लीफ की बात करी थी. आई गेस दिस इज द ओनली एलोवेरा जेल जो अभी भी लोकल शॉप्स पे इजीली अवेलेबल है, मतलब काफियों के लिए आपको ऑनलाइन सर्च करना पड़ता है. दिस एलोवेरा इज लाइक अवेलेबल एवरीवेयर, आप केमिस्ट पर चले जाओ, हर्बल शॉप्स, लोकल जो शॉप्स होती हैं. ग्रीन लीफ इज लाइक वेरी रिनोन ब्रांड. इस ब्रांड का खाली एलोवेरा नहीं आता, और भी इनके बहुत सारे जेल्स हैं. दे हैव कुकम्बर जेल, दे हैव समथिंग इन सैफरन, दे हैव वन रेड कलर जेल विच इज फॉर हेयर फॉर डैंड्रफ. मैंने इनके सारे जेल्स ट्राई किए हुए हैं, दे आर ऑल अमेजिंग. प्राइस ऑफ ग्रीन लीफ वन इज 110 रुपए का है, लेकिन मेरे केमिस्ट शॉप पे 100 रुपीज का इजिली अवेलेबल हो जाता है. कंप्लीटली अभी खत्म हो चुका है. दिस वन हैज ग्रीन कलर, सो इसके अंदर कलर है, आई वोंट से कलरलेस है. इट हैज प्रिजर्वेटिव्स, इट हैज एलोवेरा, ओके इट हैज कलर एज वेल, दे हैव रिटन कि इसके अंदर कलर भी है, बट द बेस्ट पार्ट इज ये मेरी स्किन पे रिएक्ट नहीं करता. आई हैव यूज सो मेनी टब्स ऑफ ग्रीन लीफ वन. मैं इसको पैक्स में यूज करती थी, फेस पर यूज करती थी, फॉर माई हेयर, मल्टीपर्पज मैंने इसके बहुत यूजेस करे हैं. हल्का सा स्टिकी है ये नेचर में, आप जब लगाओगे हल्का हल्का ये स्टिकी होता है, सो आई डोंट थिंक सो यू कैन यूज इट एज अ बेस मेकअप और समथिंग, यू कैन जस्ट यूज इट एज अ नाइट टाइम ट्रीटमेंट. Another aloe vera gel which is very close to green leaf one, but it is paraben free, mineral oil free and chemical free is the Jeva one. मेरे पास Jeva का tub नहीं है, I guess मैंने उसके अंदर अपने dry mask store कर दिए थे. मैंने अपने Nykaa के hall में भी वो show किया हुआ है, I will insert somewhere the picture here. Nykaa की sale पे वो हमेशा 100 rupees में available होता है, although the MRP is little bit higher. That is the only aloe vera gel जो claim करता है जो paraben free है, mineral oil free है and chemical free है. I have personally used it. मैंने उसका plain version भी use किया, मैंने उसका saffron version भी use किया, हल्का सा येलोविश है, बट दैट वन इज रियली गुड. 100 रुपीज के प्राइस पॉइंट में मुझे वो काफी अच्छा लगा. आई मेंशन द लिंक समवेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट. नेक्स्ट एलोवेरा जेल इज लाइक द मोस्ट रिनोन वन, स्पेशली ऑन Nykaa, बिकॉज Nykaa पर फेस शॉप के प्रोडक्ट्स काफी फेमस है, और ये जब लॉन्च हुआ था उस टाइम रेव हो गया था मार्केट में, बिकॉज दिस वन क्लेम्स टू बी 99% प्योर एलोवेरा जेल. दिस इज द जेजू एलोवेरा. फेस शॉप की प्रॉपर एक जेजू की रेंज है, दे हैव ऑल काइंड ऑफ स्किन केयर. मैंने खाली ये वाला एलोवेरा जेल ट्राई किया. दिस वन कॉस्ट रुपीज 390. ऑब्वियसली मैंने बहुत पहले लिया था, आई डोंट नो इसका रेट अब चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ. दिस वन क्लेम्स टू बी 99% प्योर एलोवेरा जेल, एंड आउट ऑफ ऑल द जेल्स जो मैंने अब तक अपनी लाइफ में ट्राई किए हैं, दिस वन इज द ओनली जेल जिसके अंदर वो एक स्टिकी गुईनेस है. फॉर एग्जाम्पल, आप जब एलोवेरा की लीव काटते हो, आप जब उसको टीयर करते हो, आप देखते हो बीच में एक स्टिकीनेस होती है, जो ऐसे स्टिकी स्टिकी गुईनेस होती है उसके अदर, वही सेम स्टिकीनेस इस एलोवेरा जेल में है. अदरवाइज आप कोई भी एलोवेरा जेल उठा लो, आप जब उसको यूज करते हो, यू वोंट फील दैट स्टिकी. ये मैंने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था, इट इज कम्प्लीटली एम्प्टी नाउ, कुछ भी नहीं बचा. नाउ आई एम यूजिंग इट टू स्टोर थिंग्स. काफी बड़ा टब है, यूज जाता है. ट्राई टू रीयूज प्लास्टिक एज मच एज यू कैन इफ यू कांट रिड्यूस और रिसाइकल इट. कम्प्लीटली सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन. अगर आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, आई गेस दिस वन विल डेफिनेटली सूट यू. काफी लाइट टेक्सचर है इसका, बिल्कुल गुई काइंड ऑफ टेक्सचर है. मेरी पुरानी वीडियो में मैंने इसका टेक्सचर शो किया था, इफ यू वॉन्ट टू सी यू कैन सी इट देयर एज वेल. एंड या फॉर द प्राइस फैक्ट, ऑब्वियसली इट्स नॉट समथिंग विच इज अफोर्डेबल. 400
100 का लगा लो आप ऑलमोस्ट. आई गेस ये नायका की सेम पर डिस्काउंट पे भी अवेलेबल होता है. अब ये अमेजोन पर भी आ गया है. आई जस्ट सॉ जेजू रेंज ऑन अमेजोन, सो यू कैन चेक आउट ऑन अमेजोन एज वेल. सो कमिंग टू द बेस्ट एलोवेरा जेल दैट आई एम करंटली यूजिंग एंड लविंग इट टिल नाउ इज द बी सेल्फ वन. इफ यू आर फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम देन यू ऑलरेडी नो आई एम करंटली लविंग इट. 1 week से ऊपर हो चुका है इसको यूज करते करते. आई नो टाइम थोड़ा कम है जज करने के लिए, बट वाई आई एम सेइंग इट इज बेस्ट बिकॉज आई कैन सी विजिबल रिजल्ट्स इन नॉट इवन 1 week. मतलब ये 1 week में इतना अच्छा वर्क करने लग गया मेरे फेस पे. आई कैन सी विजिबल रिजल्ट इन रेडनेस. इसने मेरी रेडनेस को काफी काम डाउन किया है. ऑब्वियसली मैं अपने एलोवेरा जेल्स को हमेशा फ्रिज में रखती हूँ. ये मैंने अभी फ्रिज से ही निकाला है. आई ऑलवेज कीप इट इन फ्रिज. ओके, इंट्रोड्यूसिंग द ब्रांड, दिस इज द बी सेल्फ वन. दिस इज अवेलेबल ऑन अमेजोन. ये मैंने अमेजोन से बड़ा वाला टब ऑर्डर किया है. इट कॉस्ट ₹399, लेकिन ₹299 में ये इजिली अवेलेबल है अमेजोन पर. यू कैन ऑर्डर द स्मॉलर टब एज वेल. एंड दिस वन इज कम्प्लीटली केमिकल फ्री, 100% प्योर, नो फ्रेगरेंस, नो कलर. एंड यू कैन सी कम्प्लीटली ये ट्रांसपेरेंट है. मैंने इसको अभी छोटे टब में ट्रांसफर करके रखा है बिकॉज जो कम्प्लीटली केमिकल फ्री एलोवेरा जेल्स होते हैं, प्लस जो ऐसी बड़े टब्स होते हैं, मैं उनको बार बार खोलना प्रेफर नहीं करती. बार बार आप खोलोगे जर्म्स जाएंगे, कंटामिनेट होने के चांस होते हैं. सो व्हाट आई डू, मैं इसको एक छोटे टब में ट्रांसफर करके रखती हूँ. एंड एवरी टाइम आई यू ओपन दिस, मैं इसको बार बार खोलना प्रेफर नहीं करती. यू कैन सी इट्स कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड इट्स सो नेचुरल. इट इज सो सूदिंग ऑन स्किन, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है. एंड द थिंग इज इट एक्चुअली स्मेल्स लाइक रियल एलोवेरा. मैंने अभी परसों भी इसका एक शॉर्ट रिव्यू डाला था इंस्टाग्राम की स्टोरी पर. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम देन प्लीज फॉलो मी देयर. मैं छोटे छोटे रिव्यूज वहीं पर ही कर देती हूँ. जो आप मेरे से यूट्यूब पर पूछते रहते हो, मैं आधे रिव्यूज इंस्टाग्राम पर कर देती हूँ. सो मेक श्योर यू आर फॉलो मी देयर. सो मैंने स्टोरी पर ये मेंशन किया था. मैंने एक या दो दिन जब इसको यूज किया, थर्ड डे आई रियलाइज कि इसके अंदर से जो फ्रेग्रेंस है ना, वो एक्चुअल जो रियल एलोवेरा की एक पंजेंट स्मेल नहीं आती लीफ वाली, ये सेम वही फ्रेग्रेंस है. ऑब्वियसली इन्होंने अलग से कोई फ्रेग्रेंस ऐड नहीं करी है. सो दिस स्मेल्स कंप्लीटली नेचुरल. द ओनली थिंग इज ये प्रिजर्वेटिव फ्री है, ये केमिकल फ्री है. कोई भी प्रोडक्ट जो बिल्कुल 100% केमिकल फ्री होता है, उसका खराब होने के चांस ज्यादा होते हैं बिकॉज अगेन उसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं है जो इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाएंगे. सो मेक श्योर या तो आप छोटा टब खरीदिए, लाइक मैंने बड़ा टब खरीद लिया. सो आई विल ट्राई टू फिनिश इट एज क्विकली एज पॉसिबल बिकॉज इनके खराब होने के चांसेस ज्यादा जल्दी होते हैं. नेचुरल प्रोडक्ट्स को थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, जल्दी जल्दी खत्म करके यूज कर लेना चाहिए. आई एम कम्प्लीटली लविंग इट. लाइक दिस वन इज अवेलेबल ऑन अमेजोन. मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगी. आई डोंट थिंक सो नायका पर अवेलेबल है या फिर नहीं है. सो दैट इज इट फॉर माई लिस्ट. मैंने ऑलमोस्ट सारे मैंशन कर दिए जो मैंने अब तक यूज किए थे. इसके अलावा आई गेस आई हैव यूज द बायो ऑर्गेनिक विच इज द इंडस वैली एलोवेरा. ये मैंने अपने किसी एक वीडियो में भी फीचर किया हुआ है, वो भी मैंने यूज किया हुआ है. मैंने उसका इंस्टाग्राम पर रिव्यू भी डाला था, आई गेस यू कैन वॉच हेयर. वो भी काफी एवरेज क्वालिटी का एलोवेरा था. ऑब्वियसली इट हैज केमिकल्स, बिल्कुल 100% केमिकल फ्री नहीं था. बट दैट वॉज अ लिटल बिट नरिशिंग बिकॉज उसके अंदर विटामिन ई उन्होंने डाला हुआ है अलग से. सो अगर आपको एलोवेरा जेल लगा के ड्राइनेस फील होती है, यू कैन ट्राई द बायो ऑर्गेनिक वन. या दैट इज इट फॉर माई टुडेज वीडियो. आई फीचर्ड ऑल द एलोवेरा जेल. काफी यहाँ पे भरमार हो चुकी है मेरे पास. आई कैन फाइनली थ्रो ऑल द टब्स. ये भरा हुआ है. आई डोंट नो मैं लैक्मे का कहाँ यूज करूंगी. आई गेस आई विल जस्ट फिनिश इट बाय यूजिंग इट ऑन माय हेयर बिकॉज वो मेरे फेस पर नहीं जाने वाला है. सो दैट इज माय लिस्ट फॉर वर्स्ट टू बेस्ट एलोवेरा जेल. कमेंट डाउन बिलो आपका बेस्ट या वर्स्ट एलोवेरा जेल कौन सा रहा. आई लव टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद यू. समटाइम्स माई व्यूअर्स हेल्प मी अ लॉट. नीचे कॉमेंट करके एक दूसरे की हेल्प करो. बताओ कि कौन सा एलोवेरा जेल आपने यूज किया है जो अच्छा है. आई माई ट्राई इट इन फ्यूचर एज वेल. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन. बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली. I have amazing content out there जो आपको कहीं ना कहीं help करेगा. And yeah, that is it for today's video. Till then, bye bye.